देखो, अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, दूसरी पार्टी का मामला है। एक बात तो देखिए, इस बदलाव से तय होगी कि अगर अनिल विज जैसे ईमानदार आदमी को बाबा जैसा आदमी है कोई पूछ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि ईमानदार लोगों की, अच्छे लोगों की राजनीति में जगह नहीं है। और एक सवाल और बताता हूं आपको, मैं ही बता देता हूं सारे सवाल। अब खट्टर साहब कहते हैं, जिस दिन विश्वास मत ले रहे थे, नायब सैनी जी भी कह रहे थे कि ये तो संत आदमी है, साधु आदमी है, फिर जग बलफ की क्या जरूरत पड़ेगी। पूरी स्टेट के जो सरपंचों के साथ हुई, जितने अत्याचार हुए, नहीं मैं ये कह रहा हूं भाई, अनिल विज जी बीजेपी पार्टी के, हमारा उससे कोई लेना देना। हम तो एक उसकी जो देखो, जो मैंने 4.5 साल में देखा है, वो एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी, साफ। तो इसलिए थोड़ा मेरे को दुख है, वरना बीजेपी वाले चाहे कहीं जाओ, मेरे को क्या लेना। तो प्रेस वार्ता इसलिए रखी है कि देश के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, आचार संहिता लग चुकी है, इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में पूरा प्रशासन है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए, तो क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा, या फिर हम रूस की तरह ही इलेक्शन करवाना चाहते हैं? फैसला तो जनता ने करना है, और फैसला कर चुकी है जनता। इसीलिए हारा हुआ तानेशाह जो है इस तरीके के हथकंडे अपना रहा है। 7 साल के बाद 14.5 लाख रुपए के ऊपर 210 करोड़ रुपये जुर्माना और खाते सीज, जबकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स देना ही नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने पे इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और यहां उल्टा ही हो रहा है, और सभी संस्थाएं बंद है, चुप है, कोई बोल ही नहीं रहा है। गिरफ्तार किया गया, उस बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी इस पर जरूर रोष प्रकट किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे तो मैं कहूंगा आगे, मैं तो अभी आपको बात शुरू कर रहा हूं। केजरीवाल जी को अरेस्ट करना, इस तरीके से कभी मुख्यमंत्री अरेस्ट नहीं हुए। और जिस केस में केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, फिर पार्टी को चंदा दिया गया, और ऐसे ऐसे काम तो फिर बहुत सारे। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड आया है, और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि 38 कारपोरेट घरानों ने 179 ठेके दिए हैं, जिसके बदले में चंदा लिया है। और कहां कहां पे ईडी ने छापे मार के चंदा लिया है, तो क्या इसकी भी सरकार जांच कराएगी? क्या जिन लोगों को चंदा मिला है, जिन्होंने ठेके दिए हैं, चंदे के बदले धंधा किया है या फरौती वसूली हुई है, तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो? और हमारे यहां भी शराब घोटाला हुआ था 2020 में कोरोना के अंदर। किसी भी प्राइवेट आदमी को सड़क पे आने की इजाजत नहीं, और सरकारी आदमी ही सड़क पे जा सकते थे, या फिर पत्रकार बंधु जा सकते थे। हमारे को भी परमिशन लेनी पड़ती थी। ऐसे घोटाले की आज तक जांच नहीं हुई। एक मुख्यमंत्री शराब नीति बनाने में, उसके बदले चंदा लेने में ईडी घर से उठा के ले जाती है, और एक शराब घोटाले की जांच भी नहीं करी। और ये विधानसभा में मुद्दा भी उठा, मैंने तो इसके ऊपर सीधा पूछा था,
भाई जब तीसरे आदमी को सड़क पे जाने की इजाजत नहीं थी तो क्या सरकार ने ही तो किया ये? तो जब सरकार ने ही घोटाला किया है तो जांच किसकी कर रहे हो? अब तो देखो जो कुछ कर रहा है सरकार तो कुछ कर भी नहीं है। अब तो ये इसका मतलब लाठीचार्ज भी इलेक्शन कमीशन ने ही करवाया होगा, ऐसा मैंने सुना भी है और आपको पता भी है भाई। आचार संहिता लगने के बाद सारा कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन का हो जाता है। क्या गलत कर रहे थे वो? प्रदर्शन करने का अधिकार खत्म है। अगर आचार संहिता लगने के बाद प्रदर्शन करने का अधिकार खत्म है तो लाठीचार्ज का अधिकार कहां से आ गया? सर पे वार किए गए थे। चोट लगी है, सबने देखा है, सब निंदनीय काम है। कितने ही घटिया काम कर लो, मैंने कहा ना अब की बार इलेक्शन नहीं जीत रहे, और ये मुख्य मुद्दे हैं। अभी तो आप देखना धीरे धीरे पूरी स्टेट के जो सरपंचों के साथ हुई, जितने अत्याचार हुए, दिव्यांगों तक लाठीचार्ज हुआ था ना करनाल में, तो करनाल की जनता भूली थोड़ी है। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए 9.5 साल में करनाल का कुछ नहीं कराया, उसको जनता एमपी क्यों बनाए? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। सर लोकसभा में बीजेपी पार्टी ने करनाल से चेहरा बदल दिया, जबकि जो पुराने सांसद है वो भारी मतों से जीते थे। कैसे देखते हैं, क्यों बदला गया चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री? अब के बाद तो दोनों को टिकट दे दे तब भी नहीं जीत सकते। चेहरा बदले को भी दे, पिछले वाले को भी दे दे, वो गलती से जीत गए थे। उस टाइम एक इमोशनल कांड हुआ था जिसकी जांच आज तक नहीं हुई है। क्या लगता है यहीं से राजनीति बदलने वाली है करनाल की? राजनीति करनाल से नहीं पूरे देश से बदलने वाली है, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। आप तारीख नोट कर लेना और मेरे को 4 जून को आके पूछ लेना। 200 से नीचे रहेंगे, ये कितना ही रही है। क्योंकि अनिल विज भी हैं और कहीं ना कहीं पहला चेहरा तो हर कोई उन्हीं को देख रहा था। देखो अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, दूसरी पार्टी का मामला है। एक बात तो देख इस बदलाव से तय होगी कि अगर अनिल विज जैसे ईमानदार आदमी को बाबा जैसा आदमी है कोई पूछ नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि ईमानदार लोगों की, अच्छे लोगों की राजनीति में जगह नहीं है। और एक सवाल और बताता हूं आपको, मैं ही बता देता हूँ सारे सवाल। अब खट्टर साहब कहते हैं जिस दिन विश्वास मत ले रहे थे, नायब सैनी जी भी कह रहे थे कि ये तो संत आदमी है, साधु आदमी है, फिर जेड प्लस की क्या जरूरत है? कांग्रेस ज्यादा बोल रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस अपने दम पे सरकार बना लेगी? अपने दम पे ना बनाए, इंडिया गठबंधन है, मैंने तो कहा ही नहीं भी कांग्रेस बनाएगी। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा दल इंडिया गठबंधन में, विधान जी पहले सीबीआई की बात करें तो हम इन्हीं की बात करें, सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं पे ध्यान है, यानी भ्रष्टाचार इनमें ज्यादा है। भाई जब लोकतंत्र ही खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, तो ईडी सीबीआई तो उनके ही जाएगा ना जिनको डराना है। और मैंने अभी कहा है भाई, इंडिया को रशिया बनाने के रास्ते पे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और अगर जनता नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। फिर एक कहावत है भी, अब क्या अब पछताए क्या हो जब चुड़िया चुगी खेल। यदि हार गए तो भी हमको हार, मुझे अब तो हारने का कोई मतलब ही नहीं। अब तो मैं मतलब पूरी तरह से, आप मान के चलो कि मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, आप 4 तारीख को याद रखना रही, यही आपका इन्विटेशन है। उम्मीदवार उतारने में क्यों वेट कर रही है कांग्रेस? कभी तुम अरे कैसे नौबत के 25 तारीख का इलेक्शन है जनाब, 25 मई का, देर कहां हो? जहां पे पहले इलेक्शन है वहां उतार दिए गए, और इलेक्शन से सिर्फ 15 दिन मिलते हैं। 15 और 8 कितने हुए? नहीं, बीच में देखो, कोई घोषित उम्मीदवार नहीं है, वो कहाँ है? किसका घोषित है? कोई घोषणा नहीं है। नहीं, आप मुख्यमंत्री से पूछना, लोकल कैंडिडेट सारे कोई, वो कहता मैंने 9.5 लाख। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, अनिल विज जी बीजेपी पार्टी के, हमारा उससे कोई लेना देना? हम तो एक उसकी जो देखो, जो मैंने 4.5 साल में देखा है वो एक ईमानदार और सीधा साधा साफ। तो
तो इसलिए थोड़ा मेरे को दुख है, वरना बीजेपी वाले चेक कहीं जाओ मेरे को क्या लेना।